हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रमण्य मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं दो थ्योरम्स हैं, मिडपॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम, उनके प्रूफ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन थ्योरम का हमारे क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट मतलब नाम से आ जाते हैं, मिडपॉइंट थ्योरम को प्रूव करें, इसका स्टेटमेंट लिखें, तो फिर हमें इसका प्रूफ करना होता है। इसलिए मैं आपको मिडपॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम दोनों के प्रूफ और कंप्लीट डेरिवेशन आपको इसके बता रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले अपने पास मिडपॉइंट थ्योरम। तो मिडपॉइंट थ्योरम क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द मिडपॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, यानी कि दो मिडपॉइंट है, उनके ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स हैं, उनके मिडपॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड साइड के पैरेलल होती हैं, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इसके हाफ के इक्वल होती हैं। तो देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, फिर इसका प्रूफ करते हैं अपन। ये ए बी सी पी क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पी क्यू पैरेलल होती है, मिडपॉइंट थ्योरम से क्या होता है, पी क्यू पैरेलल होगी बी सी की और पी क्यू इक्वल होगी हाफ बी सी के, ठीक है ना। ये चीज हमें लानी है, तो लेकर चलते हैं। गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें अपने पास है पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ओ ए बी एंड बी सी, ठीक है। टू प्रूव लाना क्या है हमें, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ बी सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कि भाई इस जो लाइन है PB, इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, वो होगी, और इसको बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा अपने पास पॉइंट क्यू, तो आ चुका है ऑलरेडी, इसको आर दे देते हैं, ठीक है। इंक्रीज पी क्यू टू आर, आर पॉइंट इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इंक्रीज इस तरीके से करना है कि पी क्यू और क्यू आर कैसी हो, इक्वल हो। तो सच दैट पी क्यू इक्वल क्यू आर आए, ठीक है ना। तो अपन आ जाते हैं प्रूफ में, ठीक है ना। तो प्रूफ करना स्टार्ट करें, उससे पहले देखें अपने पास क्या क्या है, ये और ये लाइन कैसी आ रही है, इक्वल है, और दूसरी चीज ये और इस लाइन में कोई रिलेशन नहीं है अभी। तो देखें सबसे पहले अपन ट्राइंगल लेके चलते हैं, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू आर सी, ठीक है। क्या क्या चीज इसमें इक्वल है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, बोले नाम दे सकते हैं ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इक्वल एंगल आर क्यू सी, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या दे रखी, इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू आर, ठीक है। और थर्ड क्या इक्वल हो सकता है, देखें यहाँ पे पता है कि अपन को क्यू मिड पॉइंट है, तो ए क्यू इक्वल क्यू सी भी होगा, ए क्यू इक्वल क्यू सी, तो हो गया रूल लग गया साइड एंगल साइड, तो बाय रूल ऐसे यस दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस, ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल क्यू आर सी, ठीक है। तो इससे ए पी और सी आर इक्वल आ जाए, तो बाय सी पी सी पी ए पी इक्वल सी आर, ठीक है। ए पी और सी आर इक्वल आ गए हैं, बट टी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए पी और बी पी भी इक्वल है, ए पी और बी पी भी कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं क्या ले जाता हूँ, ए पी की जगह पे बी पी, बी पी इक्वल सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए पी इक्वल सी आर हो गया, अब दूसरी चीज क्या हो रही है हमारे पास, ये लाइन इसके इक्वल आ गई है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया है, वो भी सी पी से, एंड यहाँ पे भी लिखी रहते हैं वो,
ये हो जाएगा पी ए क्यू या पी ए सी इक्वल ए सी आर, एंगल पी ए सी इक्वल एंगल ए सी, ठीक है। तो इससे तो क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल है ये तो, और अल्टरनेट एंगल जब भी इक्वल होते जेड बन रहा है, देखें जेड बन रहा है तो फिर अल्टरनेट एंगल जब भी इक्वल होते तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल, इसका मतलब बी ए पैरेलल सी आर, हेंस बी ए पैरेलल सी आर, और बी ए सी आर पैरेलल तो बी पी पैरेलल भी सी आर होगा, तो बी पी पैरेलल सी आर, और यहाँ पे बी पी इक्वल सी आर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो फिर क्या हो गया बी सी आर पी क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, हेंस बी सी आर पी इज पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हुआ, अपने पास ये वाली और ये वाली लाइन भी क्या होगी इक्वल और पैरेलल, तो पी आर पैरेलल बी सी, तो पी आर पैरेलल पी आर पैरेलल बी सी एंड पी आर इक्वल बी सी, पी आर पैरेलल बी सी के हैं तो पी क्यू भी पैरेलल बी सी की होगी, तो पी क्यू पैरेलल बी सी, एंड पी आर दो लाइन से मिलके बन रही पी क्यू और क्यू आर, और क्यू तो मिड पॉइंट है तो पी क्यू और क्यू आर कैसे हैं इक्वल, तो पी आर को मैं टू पी क्यू लिख सकता हूँ, तो टू पी क्यू इक्वल बी सी, बी सी ये अपने पास एज इट इज है, तो यहाँ पे एंड पी क्यू इक्वल हाफ बी सी अपने पास बन गया, और पी क्यू पैरेलल बी सी हो गया, यही हमें प्रूव कराना था, देखें ठीक है कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव होगी। फिर आ जाते हैं अपन कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम में, देखें कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम में इसका जस्ट अपोजिट ही है, द लाइंस ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, पहले तो यानी कि ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया पी, यहां से लाइन ड्रॉ करी मिड पॉइंट है पी, तो गिवन में क्या है ट्राइंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू पैरेलल है बी सी के, इस बार पैरेलल हमें पता है, देखें द लाइंस ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड के पैरेलल भी है बाइसेक्ट थर्ड साइड, बताना है कि ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो टू प्रूव यानी कि ए क्यू इक्वल क्यू सी, क्यू पॉइंट क्या कर रहा है ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है हमें बताना है, कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन होगा वही होगा, यहाँ पे क्या होगा लाइन अपन क्या करेंगे पैरेलल ड्रॉ करेंगे ए सी के ए बी के, तो ये हो जाएगी सी आर एम, तो ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी, ठीक है सी एम हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो प्रूफ। तो देखें अपने पास सी एम अगर पैरेलल है ए बी के तो ए बी पैरेलल सी एम, और एंड पी क्यू पैरेलल बी सी है अपने पास, ठीक है सी एम पैरेलल है तो सी आर भी पैरेलल होगा हमारे पास, सी आर पर यहाँ पे पी बी और यहाँ पे सी आर, पी बी पैरेलल सी पी बी पैरेलल होगा सी आर के, एंड पी क्यू पैरेलल होगा पी क्यू पैरेलल है तो पी आर भी पैरेलल होगा, पी आर पैरेलल होगा बी सी के, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वर्ड लेटर के अगर पैरेलल है तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम, तो हेंस बी सी आर पी इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इससे अपन क्या पता चली कि भाई अपने पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी इक्वल, पी बी इक्वल सी आर, पी बी सी आर के इक्वल है और पी तो ऑलरेडी मिड पॉइंट ही है, तो ए पी लिख सकते हैं पी बी की जगह ए पी इक्वल सी आर, ठीक है
ये चीज हमने बता दी। और अब आ जाते हैं अपन ट्राइंगल इसमें और इसमें, एपीक्यू एंड ट्राइंगल, एपीक्यू एंड ट्राइंगल सीआरक्यू। एपीक्यू में अपने पास क्या है, एपी और सीआर इक्वल है, अभी बताया अपन ने, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं। एक्यू की इक्वल क्यू आर क्यू सी, और दूसरी ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि पी ए क्यू इक्वल होगा क्यू सी आर के, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल, और दूसरी चीज ए क्यू पी वो देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ए पी इक्वल सी आर दे रखा है, ये अभी अपन ने बताया वन से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, एंगल एंगल साइड यानी ए एस ए बाय रूल ए एस ए, तो क्या होगा दोनों ट्राइंगल कॉन्वेक्स, ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्वेक्स ट्राइंगल सी आर क्यू। अब दोनों कॉन्वेक्स हो गए तो भाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या होगा हमारे पास ए क्यू इक्वल क्यू सी भी होनी चाहिए, तो ए क्यू इक्वल क्यू सी, इसका मतलब क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हो गया हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट करना है, अच्छी तरीके से इसको देख लें, कोई भी इश्यू हो तो वापस एक बार पूछ लें, आज की क्लास हमारी यहीं हो रखती है।